आज मैं हूँ भुवनेश्वर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, यहाँ से मैं जा रहा हूँ कुआलालंपुर और मेरी फ़्लाइट है एयर एशिया, जो कि मैं आपको एयर एशिया का आज सारा दिखाऊंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है, एयर एशिया की फ़्लाइट आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मेरा अभी जो बैगेज है, मेरा चेक इन बैगेज नहीं लिया है मैंने, मेरे पास सिर्फ हैंड बैगेज है, ठीक है। तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा ए टू जेड कि क्या है कैसे है। फ़र्स्ट इमिग्रेशन होगा मेरा, जब आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको ये चेक इन काउंटर्स मिल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर इमिग्रेशन है और उसके बैक साइड में आपका सिक्योरिटी चेक इन होगा, ठीक है। तो ये है कुछ भुवनेश्वर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं और बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है और अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ। तो इमिग्रेशन पे जा रहा हूँ, फिर इमिग्रेशन करवाऊँगा, फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ। अब बोर्डिंग गेट पर जाते हैं, मैं जा रहे हैं एयर एशिया की बस आ चुकी है। में बिठा दिया है, थोड़ी सी फ्लाइट लेट हो गई है। அன்புள்ள விருந்தினர்களே, விமானத்திற்கு எரிபொருள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது। ये एयर एशिया की हमारी सीट है, इसके आगे एक तो ये दे रखा है वाईफाई अवेलेबल, कनेक्ट एयर एशिया वाईफाई, तो ये विज़िट करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे, तो वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। और ये दे रखी है स्क्रीन, अब पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अभी तो कुछ बंद है सब कुछ। बाकी ये यहाँ पे आपको खाना खाने के लिए दे रखा है, ये भी ठीक लग रहा है, जो स्पेस है इकोनॉमी के हिसाब से स्पेस ठीक है, काफ़ी अच्छा है। फ़्लाइट लैंड कर चुकी है कुआलालंपुर में टर्मिनल 2 पे और एयर एशिया की फ़्लाइट मुझे ठीक लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ ठीक था, शाफ भी ठीक था, लेग स्पेस भी ठीक था, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आप करना चाहते हो एयर एशिया की फ़्लाइट बुक तो बेझिझक होकर आप कर सकते हो बुक। और इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड करूँगा।